अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सलमान। ईजी एजुकेशन में आप लोगों के लिए आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग। काफ़ी अरसे से मुझे जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक जो हम स्टार्ट करें, और कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बेसिक टॉपिक जो कि ये कह लें कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर। इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। ट्यूटोरियल 1 है जो कि BBA और BCom दोनों के लिए जो है वो फायदेमंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग को समझ लेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते किसको है। तो स्टूडेंट याद रखें, कॉस्ट अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग की वो फील्ड है जो कि सिर्फ कॉस्ट को काउंट करती है, मींस के ये डील करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को, यानी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं फैक्ट्री में, उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है, यानी वो हमें कितने की पड़ रही है, उस पर हमारा कितना खर्चा आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी एक्यूमुलेट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसलिए जब हम कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो इसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है, उसके मटेरियल से लेकर उसकी फिनिशिंग तक जितना भी एक्सपेंस आ रहा है, उसको हम सब उस उन सब को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। एलिमेंट्स में इसके क्या क्या आ जाता है, देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीनों एलिमेंट्स हैं क्या, इन तीनों एलिमेंट्स से मिलके आपकी प्रोडक्ट तैयार होती है। यानी इसका मतलब ये कह लें कि अगर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार हो रही है, तो उसके लिए हमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लेबर, मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड है क्या, इसके बारे में आप लोगों को तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिस मटेरियल से हमारी प्रोडक्ट तैयार की जा रही है, और इसके साथ हम डायरेक्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसके ज़रिए हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे होते हैं, और ये खालिस हमारी प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होती है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। द रॉ मटेरियल दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट डायरेक्टली कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड यूज टू मैन्युफैक्चर फर्नीचर। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर हम फर्नीचर के बनाने वाली कोई फैक्ट्री है में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो फर्नीचर तैयार हो रहा है उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, वुड होगी। इसी तरह अगर किसी जगह शुगर बन रही है, तो उसका रॉ मटेरियल जो है वो क्या होगा, शुगर केन का रस होगा। इसी तरह अगर किसी जगह जो है वो क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़े तैयार हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है रॉ मटेरियल क्या होगा, वहाँ पे रॉ मटेरियल रॉ जो है वो कॉटन या सिल्क होगा, जिससे कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। तो इनके एक्सपेंसेस को भी हम लोग काउंट करते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है डायरेक्ट लेबर। लेबर की जब हम लोग बात करते हैं, तो लेबर कोई साथ भी हम डायरेक्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में इंगेज हैं, वरना कंपनी में, फैक्ट्री में ऐसी लेबर भी होती है जो कि प्रोडक्ट नहीं बना रही होती है, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर में काउंट नहीं करते। यानी जो अदर वर्कर्स होते हैं, सफाई वाले, क्लीनिंग वाले, वो भी हमारे लेबर होते हैं, लेकिन वो आपके इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। डायरेक्ट लेबर में क्या है कि द लेबर इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। The labor not change, not engage in production of goods is called indirect labor. यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट बनाने में लेबर इंगेज है, उसको हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे, और इसीलिए हम इसको भी काउंट कर रहे होते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो एक्सपेंस आ रहा है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए ही आ रहा होता है। उनको जो हम पैसे देते हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए ही दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्किल वर्कर हैं फॉर मेकिंग शूज इन फैक्ट्री इज डायरेक्ट लेबर, एंड क्लीनर ऑफ दैट फैक्ट्री इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। जो सफाई कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट लेबर हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर रहे, डायरेक्टली जो प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं वो कौन है, स्किल लेबर हैं। इसके बाद फिर आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या चीज़ है, जैसे कि हमने पढ़ा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के बारे में, इसी तरह मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी होती है। इनडायरेक्ट लेबर जो कि आपकी प्रोडक्ट बनाने के अलावा जो लेबर काम कर रही है वो इनडायरेक्ट लेबर होती है, और इसके अलावा जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल जो हमारी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं हो रहा वो इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, या आपके जो है क्लीनिंग मटेरियल हो गया, लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फैक्ट्री में खर्च तो हो रहा है,
तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में खर्च होता है उसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट कर लेते हैं, यानी हम तीसरे एलिमेंट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर उसको काउंट कर लेते हैं, ना कि हम उसको डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर में, हम लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड के तौर पर काउंट कर लेते हैं। तो द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेंटेनेंस क्लीनिंग एंड फॉर अदर पर्पसेस ऑफ फैक्ट्री आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के यूटिलिटी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, क्लीनिंग मटेरियल आ जाता है यानी इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया फैक्ट्री का, और मेंटेनेंस वर्क वगैरह से रिलेटेड जो भी मटेरियल है या एक्सपेंसेस है वो सब हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे। अब आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट या एक्सपेंसेस शो हो रहे होते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज अ स्टेटमेंट विच शोज द कॉस्ट और एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि तीन एलिमेंट्स होते हैं और इन तीनों एलिमेंट्स पे जो खर्चा हो रहा है उसका जो सारा हिसाब किताब है जो हम लोग शो कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट में शो कर रहे हैं, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट कहते हैं। यानी जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए उसकी जो है वो कॉस्ट में जितना भी खर्च, उसकी जो जितनी भी कॉस्ट आ रही है, जितना भी खर्चा आ रहा है, उन सबको हम जो है वो एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये आ जाता है कि नंबर वन, द फॉलोइंग डाटा हैव बीन टेकन फ्रॉम एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 97 एंड 98। यहाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है कि एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का डाटा दिया हुआ 97 और 98 का, यानी 97 के जुलाई से लेकर और जो है वो June 30, 1998 तक उसका साल एंड हो रहा है। यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल जो कि 16,000 है, गुड्स इन प्रोसेस 24,000 है, फिनिश गुड्स 12,000 है। ये सारी बिगिनिंग इन्वेंट्री है। बिगिनिंग मैंने कैसे पता चला, ऊपर में यहाँ पे डेट डली है बिगिनिंग की, जहाँ से साल हमारा शुरू हो रहा है। ये सारी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री दोस्तों याद रखें कि तीन किस्म की होती है, एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एक गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री और एक फिनिश गुड इन्वेंट्री। इसी तरह एंडिंग भी है 18,000, 22,000, 26,000। अच्छा, ये इन्वेंट्री तीन तरह की क्यों है? एक वो इन्वेंट्री है जिसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रही है। नंबर टू गुड्स इन प्रोसेस है, इट मीन्स कि वो इन्वेंट्री जो कि अभी प्रोसेस में है यानी इनकम्प्लीट है। और नंबर थ्री है फिनिश गुड्स, यानी वो इन्वेंट्री जो कि आपकी तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो तीन किस्म की हमारी इन्वेंट्री होती है। अभी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी हमारा कंटिन्यू है। इधर देखिए, इसमें कह रहे हैं कि डाटा ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया, 480,000 की सेल की है। परचेज हमने किया मटेरियल 110,000 का, इसके अलावा हमने डिस्काउंट लिया है 2,000 का, डायरेक्ट लेबर है 90,000 और फैक्ट्री ओवरहेड है 98,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000। अब हमने करना क्या है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इनकम स्टेटमेंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है कि जिसमें हम अपने जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट को शो कर रहे होते हैं। इसमें आ जाता है आपके पास सबसे पहले, जैसे कि हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बिगनिंग, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे बिगनिंग इसमें क्या लिखा था, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री याद रहा है बिगनिंग 16,000 थी, गुड्स इन प्रोसेस 24 और ये 12,000। सो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल बिगनिंग को ले लेंगे एज अ, जब हम लोग सबसे पहले जब डायरेक्ट मटेरियल यूज मालूम करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है उसका बिगनिंग और परचेज उन सबको हम ऐड कर लेंगे। बिगनिंग रॉ मटेरियल 16,000 है, यहाँ पे हमने 110,000 मैंने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेज डिस्काउंट भी लिया है, तो पहले मैं डिस्काउंट को लेस करूंगा फिर नेट परचेजेस को इसके साथ ऐड करूंगा। अगर किसी किस्म के ट्रांसपोर्टेशन के पैसे मैं पे करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे पहले मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा फिर यहाँ पे इसको टोटल में ऐड करूंगा। यहाँ 110 में से 22,000 माइनस किए तो कितने बचे, 108,000 हमारे क्या है, नेट परचेजेस हैं। नेट परचेजेस यानी इतने का हमने मटेरियल बाय किया, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 108 हो गया मिला के, तो ये कितना हो गया 108 प्लस 16,000, 124,000 हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। अब हमने क्या करना है, उसमें से रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग को माइनस कर देना है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री आपके सामने कितनी है, 18,000।
आपने क्या किया यहाँ पे 18,000 को लेस कर लिया। क्यों लेस कर लिया? क्योंकि रॉ मटेरियल एंडिंग है, मीन्स कि ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सका। जब प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सका तो हमने इसको माइनस कर लिया, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना आ गया, 106,000। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड कर लेंगे डायरेक्ट लेबर को। डायरेक्ट लेबर 90,000, ये भी क्वेश्चन में गिवेन है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ही हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट कहेंगे इसको। प्राइम कॉस्ट यानी बेसिक कॉस्ट या बिल्कुल बिगिनिंग की कॉस्ट। अभी याद रहे हमने सिर्फ रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है वो मालूम किया है। इसके अंदर फिर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को भी इंकर्ट कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे कितनी दी हुई है, 98,000। ये 98,000 हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अगर हमें नहीं, 98 यहाँ पे नहीं गिवन होगी तो क्वेश्चन में लाजमी सी बात है कि वो उसको जो है मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स में दिया हुआ होगा, जैसे कि यूटिलिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री यूटिलिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस एक्सपेंस, फैक्ट्री रिपेयर एक्सपेंस, या फैक्ट्री के फ्यूल एक्सपेंस, या फैक्ट्री की मशीनरी की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और जो है इस तरह की जो है फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं वो आ जाएंगे। तो ये इन सब को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारी इसके लगेगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड, यानी मटेरियल लेबर फैक्ट्री रेट की, इन तीनों के मुश्तरक कॉस्ट ये है। लेकिन अभी हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग और एंडिंग दोनों को भी काउंट करेंगे। वर्क इन प्रोसेस मैंने बताया था कि ऐसी इन्वेंट्री को कहते हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उसमें हमारा खर्चा तो हुआ है, तो बिगनिंग इन्वेंट्री को हम एज के तौर पे ऐड कर लेते हैं। उसकी वजह यह है, बिगनिंग को इसलिए ऐड कर लेते हैं क्योंकि बिगनिंग को इस वजह से ऐड कर लेते हैं क्योंकि आपके पास जो है वो बिगनिंग जो है वो पिछली पीरियड की बची हुई होती है जो कम्प्लीट नहीं हुई होती, हम उसको हम इस प्रोसेस में कम्प्लीट करते हैं। 24,000 को हमने इसमें कम्प्लीट किया, ऐड किया, तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन टू प्रोसेस। तो ये हो गया आपका 3,18,000 का। 3,18,000 रुपये कैसे आया, ये इन सबको प्लस करके आया। 294 में हमने 24,000 प्लस किए तो 3,18,000 हमारे क्या आ गए, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन टू प्रोसेस आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस कर लेंगे। क्यों वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री हमारी कंप्लीट नहीं हो सकी है, ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम उसको वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के तौर पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 22,000 हमने लेस किया तो हमारे पास क्या बचा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 2,96,000 की आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बच गई। अब आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, पहले मैं आपको उस क्वेश्चन में बता दूँ कि सबसे यहाँ पे जैसे लिखा होता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर हम फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग को और एंडिंग दोनों को काउंट करेंगे, और इसके अलावा जो हमने मैन्युफैक्चर किया है यानी जो 2,96,000 है इसको भी काउंट करेंगे। उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कि ऐसा स्टेटमेंट है कि जहाँ पे हम अपने जितनी भी प्रोडक्ट सेल आउट कर चुके हैं उसकी कीमत हमें क्या पड़ी, ठीक है, यानी हमें फैक्ट्री को क्या पड़ी। तो फिनिश गारंटी बिगनिंग जो कि 12,000 क्वेश्चन में गिवन थी, इसको हमने काउंट किया, प्लस इसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने ऐड कर लिया 2,96,000 को। तो 2,96,000 को जब हमने ऐड किया तो ये क्या हो गया, 3,08,000 आपका जो है वो क्या आ गया, फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ गया किस वजह से, कि हमने कॉस्ट गुड मैन्युफैक्चर कॉस्ट गुड सोल्ड को जब ऐड किया 308,000 आ गया, उसमें से हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग को। एंडिंग हमारी पास कितनी है, 26,000 है। जब हमने 26,000 को इसमें से ऐड कर लिया जो कि हमारे पास टोटल फिनिश गुड्स अवेलेबल थी, तैयार माल प्रोडक्ट अवेलेबल था सेल करने के लिए, उसमें हमसे हमने एंडिंग माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच गया, यानी जो हमने प्रोडक्ट बेची उसकी हमें कीमत 282,000 पड़ी। लेकिन हमने तो महंगी बेची होगी, लेकिन उसकी कीमत हमें एक फैक्ट्री को जो 282 की पड़ी है, हमने सेल कितने का किया, तो आगे ये देखते हैं हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर। हमने उसको सेल किया 4,80,000 का, यानी आपने उसको ज़्यादा प्राइस पे सेल किया, जाहिर सी बात है प्रॉफिट रखा है। तो इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि अभी हमने फाइंड की थी 2,82,000। तो यहाँ पे आपके पास बच गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,98,000। उसमें से फिर हम माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब हम लेस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम। तो ये नेट इनकम हमारी क्या हो गई, इनकम स्टेटमेंट के अंदर नेट इनकम हमारी इनकम फाइंड हो गई। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।